शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड देखो आज मुझे क्या मिला। एनीवे, ये वीडियो इज अबाउट जब मैंने सोशल मीडिया डिटॉक्स किया था 4 महीने का। उसका लिंक यहाँ डाल दूंगी, उसको जरूर देखना उस वीडियो को, वीडियो बहुत अच्छी है। तो वो वीडियो जो मैंने डाली, तो आप लोगों ने पूछा कि अब मैं सोशल मीडिया पर वापस आ गई हूँ, तो मैं वापस आई तो मैंने किया क्या, तो मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और इसमें लिखे, और सोचा आपको बता दूं कि मैं जब सोशल मीडिया पे वापस आई हूँ तो मैं कैसे उसको इंजॉय कर पा रही हूँ, ये जानने के बाद भी कि सोशल मीडिया के हमारी लाइफ पर किस तरीके के इम्पैक्ट्स होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। 5 पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। तो यार, जब हम सोशल मीडिया पे वापस आते हैं एक लंबे चौड़े ब्रेक के बाद, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहली गलती हम जो करते हैं वो ये है कि हम ओवर इंडल्ज हो जाते हैं। हम ज्यादा टाइम उसको यूज करते हैं, हम सबकी प्रोफाइल्स खोल खोल के चेक करते हैं, हम देखते हैं किसने क्या डाल दिया। ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स के दौरान हो रहा होता है कि पता नहीं किसी ने क्या डाल दिया होगा, पता नहीं सोशल मीडिया पे ऐसा क्या चेंज हो गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा चीजें बदलती नहीं है, लोग वही सब डालते हैं जो वो डालते रहते हैं। तो सबसे पहले आते ही ओवर इंडल्ज नहीं होना है, यानी कि 3-3 घंटे लगे पड़े हैं जी सोशल मीडिया यूज करने में, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली आफ्टर अ डिटॉक्स, डिटॉक्स के बाद हमारी बॉडी, हमारा माइंड एकदम एक फ्रेश कैनवस, एक प्लेन वाइट वॉल की तरह होता है, और उसे हमें एक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस से पेंट करना है। तो उस एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो प्रोफाइल्स टॉक्सिक लगती हैं, जो लोग आपकी आइडियोलॉजी से अलग वीडियोज डालते हैं या अलग बातें करते हैं, उन्हें आप हटा दें। तो टॉक्सिक लोगों को अपनी प्रोफाइल से सबसे पहले हटा दें। मैं क्या करती हूँ, मैं उनको अनफॉलो नहीं करती, सबसे पहले अपनी फॉलोइंग में से रिमूव करती हूँ और उसके बाद जाकर मैं उन्हें हटाती हूँ। तो मतलब उनको ये ना लगे कि यार मैंने अपने फॉलोअर तो बढ़ाए रखे और उन्हें जाके अनफॉलो मार दिया, तो नहीं, सबसे पहले उन्हें अपनी फॉलोअर्स की लिस्ट से हटाएं और फिर जाके उन्हें अनफॉलो मार दें। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको उन प्रोफाइल्स को जाके फॉलो करना चाहिए जिनको आपको लगता है इनका जो कंटेंट है वो मुझे कुछ प्रोडक्टिविटी देगा। तो कुछ प्रोडक्टिव, आपकी प्रोडक्टिविटी मेरी से बहुत अलग हो सकती है, हो सकता है आपको आर्ट में इंटरेस्ट हो, सकता है आपको डांस में इंटरेस्ट हो, तो जाके उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके पैशन को एक सक्सेसफुल लेवल पर कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी जो आपके पैशन या आपके हॉबीज को एक सक्सेसफुल लेवल पर कर रहे हैं। तो अगर आप डांसिंग के शौकीन है तो किसी अच्छे डांसर को जाके फॉलो करिए जो अच्छे डांस वीडियोज डालते हैं और सिखाते हैं और कोरियोग्राफर हैं। अगर आपकी हॉबी आर्ट में है तो जाके अच्छे आर्टिस्ट को फॉलो करिए, उससे आपको अपनी पैशन को फॉलो करने में मोटिवेशन मिलेगी और आप स्क्रॉल करते वक्त भी बैक ऑफ द माइंड में ये सोचेंगे कि वाओ यार इसने क्या कमाल करा, ये मैं भी करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो इसके अलावा आपको कुछ ऐसी एंटरटेनिंग और कॉमेडी वाली वीडियोज और उनके लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, उन कॉन्टेंट क्रिएटर्स को जाके फॉलो करना चाहिए जो आपको हंसाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं और आपको साथ ही साथ एजुकेट भी करते हैं। तो उन लोगों को जरूर जाके फॉलो करिए। और मैं तो आपको पता ही है एकदम फुल एंटरटेन करती हूँ, तो मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं हैंडल मेंशन कर दूंगी, ट्रिपल_अलास्का_सिंगल_ ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, प्लीज जाके फॉलो करिएगा। जो नेक्स्ट चीज जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ वो ये है कि हर रोज रात को सोने से पहले मैं ये जरूर चेक करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर कितनी देर रह रही हूँ। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का नाम ले रही हूँ, लेकिन आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब की भी चेक कर सकते हैं, स्नैपचैट, तो इन पे आपने कितने देर लगाई है। तो अगर आपने पर दिन इन पे 1 घंटे या 1.5 घंटे से ज्यादा समय इंडल्ज करा है तो वो गलत है। 1-1.5 घंटे से ज्यादा आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट पर नहीं रहना है। हमें अपने जो हमारा यूजेज है उसको ब्रेक करना चाहिए, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर ही इन सब चीज़ों को यूज करना चाहिए। तो अगर आपका टोटल टाइम 1.5 घंटा बन रहा है, इट्स ओके, लेकिन इफ इट इज मोर देन 1-1.5 आवर, देन ये एक बड़ा सा रेड फ्लैग है एंड आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड लास्ट चीज जो मैं आपको एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर बताना चाहती हूँ, मैं जब डिटॉक्स में वापस आई मैंने बहुत कॉन्टेंट डाला है और मुझे उसके लिए बहुत एप्रिसिएशन मिला और उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो आप भी अच्छा कंटेंट डालिए, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो मेरे कंपटीशन में आइए। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने मेरे इस वीडियो से इंस्पायर होकर कंटेंट क्रिएशन शुरू करा है, एंड आई बी रियली रियली हैप्पी टू फॉलो यू, एंड यू नो आई वुड मेंशन यू इन माय वीकेंड्स के हिडन जेम्स अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो
लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि हर कोई आपको बताएगा, वो है माइंडलेस या ब्लाइंड स्क्रॉलिंग को खत्म करना। तो हमें जो स्क्रॉलिंग करनी है वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। आई नो ये रोकना मुश्किल होता है, जब हम रील्स पर जाते हैं तो हम करते जाते स्क्रॉल, जब हम फॉर यू पेज या एक्सप्लोर पेज पर होते हैं तो हम करते जाते स्क्रॉल, लेकिन हमें उसे रोकना है। और उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जब स्क्रॉल कर रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में बार बार ये बात पुश होनी चाहिए कि मैं इसको क्यों स्क्रॉल कर रही हूँ या क्यों स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इंस्टाग्राम जैसी बड़ी ऐप्स और बड़ी कंपनीज के लिए, लेकिन हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, हम जैसे छोटे छोटे लोगों के लिए इसका बहुत बैड इफेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी ओवरऑल हेल्थ पर, हमारे स्केड्यूल पर। स्क्रॉलिंग इज द रीजन कि हम आधी से ज्यादा चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, उन्हें छोड़ते जाते हैं और स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। मैं भी स्क्रॉलिंग का शिकार हो जाती हूँ कई बार, आप भी होते होंगे। तो प्लीज माइंडलेस और ब्लाइंड स्क्रॉलिंग को खत्म करिए, उसको स्क्रॉल मत करिए। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर इंस्टाग्राम, इट इज फॉर एनी ऐप, बी इट पिंटरेस्ट। ये अच्छी ऐप्स होती हैं, प्रोडक्टिव ऐप्स होती हैं, लेकिन इसमें भी माइंडलेस और ब्लाइंड स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए। तो डू नॉट इंडल्ज इन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लाइंडलेस, माइंडलेसली एंड ब्लाइंडली। तो यहाँ पे लोग मुझे अब देखना शुरू कर दे हैं इधर उधर से लोग कि ये लड़की अपने फोन पर क्या कर रही है। तो इससे पहले कि मुझे और ज़्यादा लोग देखे, मैं जा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में। #NSRB नीचे कॉमेंट करके ज़रूर जाना, कॉमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो नीचे ज़रूर कॉमेंट करके जाना, वी लव यू नंदिनी। आपके कॉमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।